हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल गेमर चैनल और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA 5 के अंदर फ्लाइंग आइसलैंड। इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपकी GTA को मोड होना ज़रूरी है और आपकी GTA के अंदर मैन्यू ट्रेनर भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपकी GTA पहले से मोड है और मैन्यू ट्रेनर भी इंस्टॉल है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। अगर आपकी GTA मोड नहीं है और मैन्यू ट्रेनर भी इंस्टॉल नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, हाउ टू मोड GTA और हाउ टू इंस्टॉल मैन्यू ट्रेनर, इन दोनों को इंस्टॉल करिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए दो फाइलों की नीड होगी, एक है हमारी ये फ्लाइंग आइसलैंड पार्ट 1, दूसरा है हमारा कस्टम प्रॉप्स एड ऑन। तो इन दोनों फाइलों के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं इसलिए मैं नहीं करूँगा। अब आपको अपने डाउनलोड में जाना है जहाँ पे ये आपकी फाइलें डाउनलोड हुई हैं, मेरी यहाँ कंप्रेस में। ये देखिए, सबसे पहले हम ये एड ऑन प्रॉप्स वाला जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर एक ये फाइल है ADB.OBI वाली, इसको बाहर निकाल लेंगे हम जिप फोल्डर से। अब सिंपली से ओपन करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, मॉड्स फोल्डर में करेंगे और इसे इंस्टॉल कर देंगे। मैंने पहले से किया हुआ है इंस्टॉल इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका यहाँ से ओपन नहीं होता तो आपको सिंपली ओपन आईवी टूल में जाना है, उसके बाद GTA 5 विंडोज में, उसके बाद आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, नहीं तो टूल पे जा करके पैकेज इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करना है और सिंपली जहाँ पे आपकी वो फाइल है जैसे मेरी यहाँ पे है, इसको ओपन कर देना है। फिर वही करना है इंस्टॉल मॉड्स में इंस्टॉल। मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद आपको मॉड्स फोल्डर में जाना है, अपडेट में जाना है, X64 में जाना है, DLC पैक्स में जाना है। ये देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड हो चुका है एड ऑन प्रॉप्स। तो सिंपली आपको बैक जाना है मॉड्स फोल्डर में, अब अपडेट में जाना है, अपडेट RPF में जाना है, कॉमन में जाना है, डाटा में जाना है। अब इसको एडिट मोड को ऑन कर लेना है। अब सिंपली नीचे आना है आपको, ये यहाँ पे DLCList.XML एक फाइल होगी, इस पर राइट क्लिक करना है, उसे एडिट करना है। एडिट करने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको ये दो फाइलों को कॉपी कर लेना, मतलब एक कोई भी लाइन को कॉपी कर लेना है यहाँ से। लाइन कॉपी करने के बाद सिंपली एंटर करना है, कर्सर को एंड पे रख करके, इस लाइन के एंड पे रख करके आपको एंटर प्रेस करना है। ये आपका कर्सर नीचे आ जाएगा और सिंपली इसे पेस्ट कर देना है जो भी लाइन आपने कॉपी करी है। ये देखिए, अब उसके बाद आपको GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको मॉड्स फोल्डर में जाना है, अपडेट में जाना है, X64 में जाना है, DLC पैक्स में जाना है। ये देखिए, एड ऑन प्रॉप्स ये फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपको ओपन आईवी टूल के अंदर जाना है। ये हमने जो लाइन कॉपी करी थी, ये दो स्लैश हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जो भी लिखा हो उसे काट देना है और सिंपली जो आपने वो फोल्डर का नेम कॉपी करा था उसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने पहले से किया हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये देखिए ऊपर, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा पर आपको करना है। ये हो जाने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव हो जाने के बाद इसे कट कर देना है, ओपन आईवी टूल को भी कट कर देना है। अब सिंपली हमारा जो वो आइसलैंड वाला फोल्डर है वो रह गया, अब उसको इंस्टॉल करेंगे। ये रहा फ्लाइंग आइसलैंड, इसको ओपन कर लेंगे, इस फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे। ये GTA 5 का ये रहा फोल्डर, इसमें मेन्यू स्टफ, इसको भी ओपन करेंगे, स्पूनर, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब सिंपली आपको GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में दोबारा जाना है। अब यहाँ पे जाना है आपको मेन्यू ट्रेस में, मेन्यू ट्रेनर में, स्पूनर, ये रहा ये फोल्डर, और सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने पहले से किया हुआ है, देखिए, जीरो फ्लाइंग आइसलैंड
तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस फोल्डर इस फाइल को। तो हमारा आइसलैंड इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब गेम के अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो हम गेम के अंदर आ चुके हैं। आपको बाहर जाना है घर से और सिंपली F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपका मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाना है। यहाँ जाने के बाद मैनेज सेव फाइल इस पे आना है और आपको वो जो हमने फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करी थी जीरो फ्लाइंग आइसलैंड .xml इस पे आकर के आपको लोड प्लेसमेंट कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट का टाइम लेगा शायद, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे में कुछ सेकंड का लेता है, ये तो 1-1.5 मिनट लेता है अगर आपका लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है तो। देखिए मैप लोड होते ही आप आइसलैंड के ऊपर आ जाओगे, ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पे ये आपके लिए चॉपर खड़ा हुआ है। ये पहाड़ हैं, बाकी एक हमें इसमें एक शेल्टर भी मिलता है, अंडरग्राउंड घर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा होम, आप इस पर पीले निशान पे जाओगे तो अंदर एंटर हो जाओगे। ये देखिए अंदर आ चुके हो, यहाँ पे ये गन्स वगैरह लटकी हुई हैं, और कोई पंगा हो जाए तो यहाँ से उठाओ सबको ठोक डालो। यहाँ पीने वीने का इंतज़ाम भी है, ये देखिए बोतल पड़ी हुई है। बाकी अगर आपको आराम करना हो, खुले में पीना हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। ये देखिए नीचे गिर गया। बाकी कुछ पहाड़ भी हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे एक बोट है। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ उसका व्यू। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।